सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में प्याज की नर्सरी और इससे होने वाले लाभ और किस तरह से इसकी बुआई की जाए और कब तक इसको कर देना चाहिए, लगाना कब चाहिए, इससे बेनिफिट क्या होता है, उस पर हम जो है आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करेंगे साथियों। लेकिन देखिए, ये पहले की नर्सरी लगाई थी इन्होंने जो कि पौड़ हो चुकी प्याज का जो है नर्सरी था, तो उसको इन्होंने लगा दिया है अपने खेत में। साथ में देखिए, इन्होंने पत्ते गोभी की खेती कर रखी है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि फरवरी मार्च आते आते जो है पत्ते गोभी जो है सीजन ऑफ होने लगता है, तो पैदावार नहीं निकल पाती है गोभी, तो उस समय डिमांड इनकी और बढ़ जाती है, इस वजह से अच्छे रेट मिलते हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने इस चीज़ की खेती की है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे तो इन्होंने हरी गोभी की भी खेती करी है और इसके बगल में इन्होंने पूरा प्याज की खेती कर रखी है, मतलब प्याज की नर्सरी लगा रखी है। साथियों, एक चीज़ और इन्होंने आगे आगे खेती ये की है कि देखिए, ये यहाँ पे आपको नेनुआ लग जाएगा, देखने को मिल जाएगा, तुरई जिसे बोला जाता है साथियों, क्योंकि प्याज का जो ही यह नर्सरी ख़त्म करेंगे तुरंत ही यह हरी सब्जी जो है गर्मियों की उसको बढ़ाए, उसको मतलब वृद्धि करेंगे। और देखिए, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे आते हैं जो भी खरीदने प्याज के नर्सरी से, जो भी लोग प्याज खरीदने आते हैं तो उनको इस तरह से नहीं ये उखाड़ के साथियों देते हैं। और इन्होंने हमें ये बताया साथियों कि बुआई करते समय इन्होंने प्रति एकड़ एक बोरी जो है साथियों, एक एकड़ में एक बोरी डीएपी, इफको की जो डीएपी आती है, इन्होंने उस इस चीज़ से बुआई करी थी। और साथ में जो जनवरी के महीने में थोड़ी सी साथियों जो बारिश हो गई थी, उसमें इन्होंने बताया कि थोड़ी नुकसान हुई है प्याज, नहीं तो प्याज बहुत अच्छी खेती हुई थी। और इसकी जड़ें मैं यदि आप लोगों को दिखाऊँ तो देख सकते हैं, अभी मैं इसको हाथ पे भी लेके दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मतलब एकदम अच्छी जड़ें हैं। आप अगर ये यदि इसको खरीद के ले जाते हैं तो ये पक्का है कि पकड़ लेगी जड़ को, मिट्टी को, और जो है अच्छी पर मतलब साइज इसकी यही होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसको समय मिल जाता है और अच्छे से जो है विकास कर पाती है। और लगाते समय आप एक चीज़ ध्यान दें, या तो इसको लगाते समय 20-20-0-13 या तो इफको की डीएपी या सुपर एक आती है वो लगाएं साथियों, उसको देने के बाद ही इसको लगाएं। और लगाना इसको जमीन में साथियों आधे इंच तक, अधिक से अधिक इस पर आधे इंच केवल मिट्टी चढ़े, उसके बाद इसकी सिंचाई कर दें साथियों। ये पकड़ के जब चल देगी तो उसके कुछ दिनों के बाद जो है इसमें आप इसको थोड़ा सा कोड़ दें साथियों, फिर इसमें पानी देने के बाद इसमें जो है सब करते हैं, बस ये सब करने के बाद साथियों जब ये इसकी गांठें बैठने लगी, जब ये पोड़ होने लगे, तो उस समय आपको करना क्या साथियों कि जो पोटाश होता है प्रति एकड़ साथियों 50 किलो पोटाश जो है आपको फेंकना है इसमें साथियों, एक बोरी पोटाश जो आता है, अब 40 का 45 का भी मिल सकता है, उसको फेंकना, उससे आपकी बहुत ही अच्छी गांठें जो बैठेंगी। धन्यवाद साथियों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।